नाउ ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले तो व्हाट इज ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का ना थोड़ा पहले कोरोना से पहले अलग हिसाब होता था। जनरली ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जब हम बात करते थे तो ऐसा होता था कि बच्चों के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते थे, एंट्रेंस एग्जाम होते थे, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते थे, एमसीक्यू आते थे। वो उनमें से कोई एक जो भी सिलेक्ट करते थे ऑप्शन, उसके बाद उसके बेसिस पे उनकी रैंकिंग, मार्क्स सब कुछ आते थे। लेकिन कोरोना के बाद ना काफ़ी चेंज हुआ है। कोरोना के बाद जो बेसिक यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हैं, दे आर ऑल्सो यू नो यूनिवर्सिटीज़ उनको ऑनलाइन लेना पसंद कर रही हैं, प्रेफर कर रही हैं। नाउ ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, जो कि एक ईजी टू यूज इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है किसको, जो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं और जो अपियर कर रहे हैं। मैं आपको एक बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ, मेडिकल का एग्जाम ले लीजिए आप। मेडिकल के एग्जाम के अंदर अगर हम लोग क्वेश्चन आंसर के बेसिस पे, यानी कि अब कौन कितना बड़ा लिखेगा या क्या है उसके बेसिस पे मार्किंग करने लग जाएं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इवेल्युएट करना कि किसकी रैंक क्या है। इसलिए ऐसे में हम लोग एमसीक्यू यूज़ करते हैं। एमसीक्यू यूज़ करने के बाद ऑटोमेटिकली किसके कितने नंबर बैठे एकदम फिक्स होगा, उसमें कोई एरर का चांस ही नहीं है, वो आ जाएगा। एंड इट विल लीड टू, जिसे हमें कहना चाहिए, इसकी वजह से हमारे पास रैंक आ जाएगी। सो ये एक बहुत ही यू नो फ्रेंडली सिस्टम है, जो कि जिसे कहना चाहिए बहुत आसान है, जो कंडक्ट करा रहा है उसके लिए भी, जो पेपर देने आ रहा है उसके लिए भी। टेस्ट समरी, रिजल्ट समरी सब कुछ बच्चों के हाथ में, प्लस जो कंडक्ट करवाने वाले होते हैं उनके हाथ में आती है। ऑटोमेटिक इवेल्युएशन, अपने आप ही मार्क्स वार्क्स काउंट हो जाते हैं। किसी किसी एग्जाम में साथ के साथ रिजल्ट आ जाता है, कुछ में टाइम लगता है। तो कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट एंड ऑटोमेटिक इवेल्युएशन भी इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अंदर आ जाता है। एंड यस, इसमें क्या होता है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आईटी सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो यूज़ किया जाता है किसी भी एग्जाम को एसेस करने के लिए, चेक करने के लिए, मार्किंग देने के लिए। नाउ एडवांटेजेस क्या होते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के रिजल्ट होते हैं इंस्टेंट एंड एक्यूरेट होते हैं। मतलब अगर सारे केसेस में एकदम रिजल्ट नहीं आ रहा तो 100% एक्यूरेट रिजल्ट तो आता ही है जनरली मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि बच्चों को उनके जो सेंटर पढ़ते हैं वो ऑनलाइन किसी भी एक स्कूल के अंदर, किसी भी एक जगह में, जहाँ पे भी वो जाके अपना पेपर देना चाहें ऑनलाइन, वो दे सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस थिंग, क्योंकि वो वेब कैमरा की सर्वेलियंस में होते हैं तो देख रहे होते हैं उनको कि कैसे कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। लेकिन दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग कि वो कहीं भी रिमोट एरिया में जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे पेपर जाके दे सकते हैं। सुपरवाइज करना ईजी होता है, यहाँ पे ज़्यादा इतनी सरदर्दी नहीं होती जितनी ऑफलाइन के केस में होती है। ऑनलाइन में कॉस्ट सेविंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है दोनों तरीके से, जो करवा रहे हैं उनकी भी, जो पेपर देने जा रहे हैं उनकी भी। इसमें क्या होता है ना, पूरा का पूरा प्रोसेस एकदम सिंप्लीफाई हो जाता है, कहाँ से लेके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने से लेके जब तक इवेल्युएट होगा, मतलब रिजल्ट आएगा वो, क्योंकि कंडक्ट जब होगा एग्ज़ाम तो भी आसान होगा, बिल्कुल ऑनलाइन है, पता है बच्चे पेपर सबमिट करेंगे, एक घंटा है। तो ये भी नहीं कि इन्विजिलेटर परेशान हो रहा है कि पेपर दे दो, पेपर दे दो बेटा, पेपर दे दो, नहीं, वहाँ पे तो टाइम खत्म हुआ, आपका पेपर का टाइम खत्म हो गया, कुछ कर ही नहीं सकते आप। सेम थिंग विद इवेल्युएशन, कोई सवाल नहीं उठा सकता ना कि हमारे जो कंप्यूटर ने कैलकुलेशन करी है वो गलत हो सकती है। जैसे नॉर्मली हम स्कूल्स में जो क्वेश्चन पेपर करते हैं उसमें हम टीचर के पास पहुँच जाते हैं कि एक नंबर बढ़ा दो, ये तो देखो और अच्छा लिखा है मैंने, देखो देखो, तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है। मार्किंग ऑफ द एग्जाम डिटरमाइन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द कैंडिडेट ईजीली। तो मार्किंग की वजह से क्या होता है ना, किसी भी जिसे कहना चाहिए कैंडिडेट का आराम से आप बता सकते हो कि उसको कोई रैंक मिली है, इंस्टीट्यूट मिला है या नहीं मिला। इट्स वेरी ईजी टू आइडेंटिफाई दिस। ऑनलाइन टेस्ट कैन बी मोर एसेसिबल टू स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। मतलब ऑनलाइन टेस्ट काफ़ी एसेसिबल और सही रहते हैं उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ी भी डिसेबिलिटी है। सो दे कैन यू नो गिव इट इन अ बेटर वे पॉसिबल है। अपने साथ किसी राइटर को भी लेके जा सकते हैं, राइटर एज इन जो मार्क कर देगा, टिक कर देगा। तो ये चीज़ें बहुत काफ़ी हद तक उनके लिए सही हो जाती हैं। और हाँ, खुद सेल्फ चेक टूल, कई बार आप देखेंगे कई एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें वो आपको दोबारा रीचेक करने का मौका पूरी तरह से देते हैं कि अगर आप एक बार मार्क करोगे तो ग्रीन होगा, अगर आपने एक बार और मार्क कर दिया चेक करके तो ब्लू और फाइनल हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो वन वे बाय विच स्टूडेंट्स कैन चेक कि उनका कैसा स्कोर रहा। और एज कैंडिडेट डिटेल्स आर हिडन, देखो ऑनलाइन में कुछ नहीं पता चलता किसने पेपर दिया, क्या नाम था। तो कई बार नॉर्मल केसेस में गड़बड़ हो जाती है कि टीचर को मतलब किसी बच्चे पे गुस्सा आ रहा है या कुछ ऐसा कुछ केस हो सकता है, लेकिन इसमें तो कुछ पता ही नहीं है कौन पेपर दे रहा है कौन नहीं दे रहा। सो इट इज़ लाइक एनोनिमस होके पेपर दे के बहुत फैसिलिटी बेटर हो जाती है। लेकिन जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं उसके एडवांटेजेस के साथ साथ हमेशा कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, जो मैं कवर कराऊंगी अभी की अभी, ठीक है।
यहाँ पे क्या होता है ना, लैक ऑफ क्रिएटिविटी, यू डोंट हैव मच ऑप्शन. जैसे कि अगर आप पेपर लिखने जा रहे हो, ऑफलाइन पेपर देने जा रहे हो या कुछ भी करने जा रहे हो, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं वैरायटी में जिसमें आप थोड़ा क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, चीज़ें हो सकती हैं, या फिर ओरल टेस्ट हो रहा है तो उसमें आपसे पूछ सकते हैं. इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है. अगर किसी का नेट ख़राब हो गया ड्यू टू सम टेक्निकल एरर, तो भाई फिर तो प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका पेपर पूरा का पूरा ख़राब हो सकता है. मेरे साथ खुद हुआ है, तो आई रिमेंबर दैट दिस कैन बी अ वेरी बिग इशू इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड बट आपको मौका नहीं मिल रहा पेपर देने का, या कुछ गड़बड़ हो गई है. हाँ, कई बच्चों को ऐसा नहीं है कि हमें कंप्यूटर चलाना आता है, तो सारे जगह पे सारे बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से कंप्यूटर चलाना आता है या हैंडल करना आता है. जिन लोगों के पास नहीं है एक्सेस, वो कैसे हैंडल करेंगे फर्स्ट टाइम में? तो उनको थोड़ा सा कई बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो कि उनको मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बोलना चाहिए इतना टच में नहीं है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है. एंड एक चीज़ और है, यस, ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग का स्कोप बहुत बढ़ जाता है. ये मोस्टली पोस्ट कोविड टाइम पे देखा गया है कि काफ़ी चीटिंग होती है, एंड ऑनलाइन एग्जाम्स में ज़्यादा होती है. ऑफलाइन में तो आपको इन्विजिलेटर एकदम पकड़ लेगा, बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो पाती. सो दैट इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम. एंड आई थिंक इसी के साथ आई एल जस्ट एंड द वीडियो, बट दैट वॉज अ शॉर्ट समरी. अब अगर आप इसको पेपर में ये क्वेश्चन आता है या लिखते हो और पॉइंट्स को, एक एक पॉइंट को आप समझा देते हो, दैट वुड बी इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आपको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. इन क्वेश्चन को पॉइंट्स में, मार्क में अच्छे से लिख के आपको एक्सप्लेन करना है, और बाकी खुद की नॉलेज के अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इट इज़ इनफ मेरे हिसाब से. थैंक यू सो मच, आई सी यू नेक्स्ट टाइम. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट, सब्सक्राइब. ये मैं इसलिए कहती हूँ, इससे मुझे पता चलता रहता है कि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है. एंड प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आपको आइडिया मिलता रहेगा कि कोई भी, अगर कहते हैं, जो वीडियो है कहाँ पर डल रही है, कौन से वाले प्लेलिस्ट में डल रही है. सो यू विल गेट द आइडिया अबाउट, एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू सो मच.